السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قائمة الباقية على قاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صلوات يقينا کسی ذاکر اور خطیب کو اگر شعرائے کرام کے بہترین کلام اور ان کی خوشی لہانیوں میں انتہائی جذب و کشش اور ذہن بشر کے مصروف ہونے کے بعد کسی خطیب سے یہ کہا جائے کہ تم بھی کچھ بیان کر دو تو اس سے زیادہ مشکل کوئی مرحلہ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ نظم کا نظم یہ کہتا ہے کہ نظم ہی باقی رہے نثر نہ آنے پائے نظم موتیوں کے ذریعے حبل متین میں پیروئے ہوئے اس عظیم شے کا نام ہے جس کا ایک ایک دانہ انسان کو مسلسل ثواب و جزا سے نوازتا رہتا ہے اس کا تسلسل اور پڑھنے والے کا انداز جس کو میں اپنی لفظوں میں کہتا ہوں کہ تان سینی انداز جس انداز پر ہماری قوم تن جاتی ہے اس کے بعد
किसी नसर वाले से ये कहना कि तुम भी कुछ पढ़ दो, कुछ सुना दो, तो नसर तो बेचारी बिखरी हुई लफ्ज़े हैं और उन बिखरी लफ्ज़ों को खतीब की कजमज बयानी और बिखेर देती है, जिसके नतीजे में समाज तक बात का पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि हम क़ुरान व अहले बैत के वाकई मानने वाले हैं, इसलिए ख़तीब बड़ी हिम्मत और जुरात करके अपने लफ्ज़ों को पेश करने की इसलिए हिम्मत करता है कि नज़्म जब अपने कमाले उरूज पर पहुंची हुई थी, तब खुदा बंदे आलम ने क़ुरान जैसी नसरी किताब नाजिल की। और उस नसर ने नज़्म को इतना नीचा कर दिया कि खाने काबा पर तीन लटकाए हुए जुमले पूरे अरब के शुआराए कराम के सबए मुअल्लका वो उसका मुकाबला न कर सके। और आखिर में आजिज आके ये कहना पड़ा, मा हादा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम नहीं है, खालिक़े इंसान का कलाम है। अब मैं बिल्कुल दस्ते अदब जोड़ के ये कहता हूँ, जो गुजारिश मैं करूँगा उसमें न मेरा कोई ख़याल है, न मेरा कोई वाहिमा है, न मेरा कोई और तसव्वुर है। जो कुछ बातें आपकी खिदमत में टूटी फूटी लफ्ज़ों में कहूँगा वो या क़ुरान की बात है या मासूम का फरमान है। और ज़ाहिर है कि अल्लाह ने अपने नबी को शेर कहने वाला नहीं बनाया। लोग मकामे मजम्मत में दुश्मनी रखने वाले पैगंबर को शायर कह के पुकारा करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि शायरी कोई गलत सिन्फ है। शायरी अगर राह हिदायत पर गामजन रहने वाले को मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे तो ये शायरी सबसे बेहतरीन शायरी है, और अगर मंजिल मकसूद तक न ले जा सके तो इसे मैं अपनी देहाती लफ्ज़ों में कहता हूँ कि इससे बड़ी खुराफात कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अगर सही मंजिल तक न ले जा सके, लेकिन खुदा ने उन अरब के तमाम शायरों के मुकाबले में अपना कलाम कुरान मजीद नसर की सूरत में बज़बान वही तर्जमान पैगंबर अकरम पेश किया। और अरब के शायरों ने मान लिया कि यही सबसे बेहतरीन कलाम है। अब ये मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, शुराए कराम से माजरत के साथ मुझे दस्ते अदब जोड़ के ये कहना पड़ता है, मुझे माफ़ करेंगी अगर कोई बात नागवार हो जाए। शायरों की किस्में अलग अलग हैं और आपसे ज़्यादा कोई नहीं पहचानेगा, इसलिए कि यहाँ तो मोहल्ले मोहल्ले में दर्जनों के एतबार से शायर हैं।
तो किस्में अलग अलग हैं, सारी किस्में बयान करूं तो बात उसी में उलझ के रह जाएगी। सिर्फ दो किस्में बयान कर देता हूं। एक वो शायर जो असली शायर होता है। असली शायर कौन होता है? जो बहर जानता है, काफिया जानता है, रदीफ़ जानता है, नज़्म की लफ्ज़ें पहचानता है, रुबाई के अल्फाज जानता है, कसीदे के लफ्ज़ों को पहचानता है, मरसिए के लफ्ज़ों को पहचानता है, वो असली शायर कहलाता है। और एक दूसरा वो होता है जो शायर कहा जाता है मगर शायर होता नहीं है। शायर नहीं होता है, ये नागवार ना हो तो मैं ये फकरा कह देता हूँ, शायर नहीं होता है, ये कौम का बहुत ही मोतबर भिखारी होता है। और ऐसा भिखारी होता है कि कलाम किसी और से लेता है, कलाम का कहने वाला शायर होता है, ये बहुत बड़ा सखी होता है। इतना बड़ा सखी होता है कि खूने जिगर थूक के जो एक एक मिसरे उसने कहे हैं उसमें आखिर में मक्ता अपना नहीं लगाता, उसी पढ़ने वाले का मक्ता लगा देता है। और ये अपने ख्याल में समझ लेता है कि मैं शायर हो गया, लेकिन वाकई जो शायर होता है उसको वो बाकायदा समझता है। बिल्कुल वही बात होती है जो अभी कोई डॉक्टर साहब से पढ़ रहे थे कि वो चांदी के जिस्म पर सोने का पानी चढ़ा होता है, तो ये बेचारा तो खाली खूली होता है, इसके पास कुछ नहीं होता है, वो तो लाया है कहीं से। मगर अब क्या कीजिएगा, हमारे समाज और कौम का मुकद्दर यही है कि तीन बातें मैं अर्ज़ किए देता हूँ। मुकासदे का लंबा चौड़ा कद्दे आदम पोस्टर जब छपता है तो उसमें उस शायर का नाम सबसे ऊपर होता है जो शायर नहीं होता, और जो वाकई शायर होता है उसका नाम। दूसरी बात, ये जब पढ़वाया जाता है जो शायर नहीं होता तो ये पीक टाइम पे पढ़वाया जाता है जब सारा मजमा हमातन गोश होता है, और असली वाला शायर 4 बजे सुबह जब आधा मजमा जा चुका होता है, आधे में आधा ऊँगता रहता है, आधा सोता रहता है, तब पढ़वाया जाता है उसे। तीसरी बात, नाज़िम मुकासिदा बेवकूफ़ नहीं होता, बहुत अक्लमंद होता है। ये जब उन शायरों को बुलाता रहता है जो शायर नहीं हैं तो ये कहता है कि अब मैं बड़े खुशगुलू शायर को बुला रहा हूँ, जिसका गला बड़ा अच्छा है उसे बुला रहा हूँ। और जब असली वाले शायर को बुलाता है तब ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, तब वो कहता है कि अब शायर का कलाम बज़बान शायर सुनो। कलाम भी शायर का, ज़बान भी शायर की। आधे से ज़्यादा मजमा तो यूँ ही समझ लेता, अब तक जितने पढ़ रहे थे गला इनका था, कलाम किसी और का था, तो आधा मजमा तो यूँ ही समझ लेता है। तो ये तीन बातें आम तौर पर राइज हैं। चौथी बात और सुन लीजिए, कितनी अजीम, कितनी बेहतरीन, कितनी अच्छा शायर हो मगर बस्ती का हो, इसको चाय पिलाएंगे?
इससे कहेंगे हुजूर ये बैठने की जगह है, इससे कहेंगे यहाँ हाथ मुंह धो लीजिए, इससे कहेंगे ये आपके लिए एहतमाम। खुद से जाके अगर बनती चाय को गिलास में लेके पी ले तो पी ले, वरना कोई उससे कहने वाला नहीं है। लेकिन जिसे हमने बुलाया है, जो खुशगुलू है, वो आइए हुजूर, पांच आदमी आगे, पांच आदमी पीछे, पांच आदमी दाहिने, पांच आदमी बाएं लगे, हुजूर यहाँ बैठ जाइए, हुजूर यहाँ नाश्ता कर लीजिए, हुजूर यहाँ चाय पी लीजिए, हुजूर यहाँ मुंह हाथ धो लीजिए, ये सब उनके लिए एहतमाम। किस बात का एहतमाम? कहा इसको बुलाया है तो ये खुशगुलू भी है और 10,000 रुपया भी देना है। ये सारा एहतमाम उस आदमी का नहीं है, वो जेब से जो 10,000 रुपये निकल रहे हैं उसके लिए। कलाम गांव का शायर, बस्ती का शायर कितना ही बेहतरीन सुना दे, कोई सुभान अल्लाह कहने वाला नहीं है, तो पढ़ते ही रहते हैं। बाहर वाला आया, एक मिसरा पढ़ा, और ये भी याद रखिएगा, हमारी या हमारे जैसे खतीब और जाकिर की परेशानी ये है कि किसी खतीब से कोई ये नहीं कहता कि वो फिर पढ़ दीजिए जो पहले पढ़ा था। कोई नहीं कहता खतीब से कि दोबारा पढ़ दीजिए। और वो खुशगलू दोबारा पढ़िएगा, फिर पढ़िए, पढ़ते रहिए। उसके साथ ये एहतमाम होता है। ये कौन होता है? मैं बात को जाया नहीं जाने दूंगा, आखिर तक ले जाऊंगा तो आप खुद ही कैफ में आ जाएंगे। जब ये पढ़ता है, इसका नाम बता दूं, ये शायर नहीं है, इसे अदब की जबान में मोता शायर कहा जाता है। शायर नहीं है, शायर बनता है। अब पता नहीं ये मिजाज कहां से आया कि जिसको दुनिया बना ले। मैं कह रहा हूं आप सुन लीजिएगा, जिसको दुनिया बना ले, इसको मुतशायर को शायर किसने बनाया? हमने आपने बनाया। तो जिसको दुनिया बना ले वो सर आंखों पर, ये हमारे समाज में सकीफाई मिजाज की उड़ान है। एक मजीद सलावत पढ़ते हैं आप हजरात मोहम्मद और आज। अरे आ जाओ इधर आ जाओ। वो मिजाज आज तक हमारे जहनों में पाया जा रहा है। तो ये हमने बनाया ज्यादा ऊंचा है, और जिसने अपनी मेहनत से शेर कहा उसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। लेकिन दोनों का फर्क समझिए, पहचाना कैसे जाए कि ये मुतशायर है या शायर। मुतशायर अगर भूल गया पढ़ते पढ़ते, एक लफ्ज भी अगर कहीं जहन से निकल गया, तो उसके पास एक ही रास्ता है, इतना खैचो कि वजन में आ जाए। यहां से रोज़े कासिम तक खैचेगा ताकि वजन में आ जाए। एक बात भी अजीजों जाया मत जाने दे, जो मंजिल में लाना चाहता हूं उसे जहन में रखिएगा। और शायर अगर खुदा न करता भूल गया, तो उसके पास लफ्जों का खजाना होता है, एक लफ्ज के बाद दूसरा लफ्ज, दूसरे लफ्ज के बाद तीसरा लफ्ज, तीसरे लफ्ज के बाद चौथा लफ्ज। और अगर याद ना आए तो मीर अनीस की तरह बड़ा मशहूर वाकया है, कभी कोई लफ्ज मरसिए में ऐसा नज्म किया था जो अहले लखनऊ के नाजुक मिजाज पे बार था, जिसे मजमे ने दोहराया, समझ गए
कि ये मिजाज पर बाहर है, लिहाजा दूसरा लफ्ज उसे दोहराया, तीसरा लफ्ज उसे दोहराया, चौथा लफ्ज ये है शायर, इसलिए कि उसके पास लफ्ज़ों का ख़जाना है तो लफ्ज़ें बदलता जाता है। लेकिन मुतशायर भूलेगा तो लफ्ज़ें नहीं लाएगा, है ही नहीं उसके पास लफ्ज़ें, कहाँ से लाएगा। दूसरा फर्ज समझ लीजिए, शायर अपना कलाम सुनाता है और मुतशायर दूसरे का कलाम सुनाता है। कलाम किसी और का होता है, गला इसका होता है। बदल के लफ्ज़ें कहता हूँ, कलाम किसी और का होता है, ज़बान इसकी होती है। ये पढ़ दे तो मजमा हमातन गोश हो जाता है। अब अगर बिल्कुल मुतवज्जे हैं तो मैं ये फकरा कह देता हूँ, हमारे और आपके मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम खाने काबा में पैदा हुए, 300 शब और रोज़ खाने काबा में रहे। बैत उसे ही कहा जाता है जिसमें रात गुजारी जाए। अल्लाह ने अपने घर को दार नहीं कहा, अल्लाह ने अपने घर को बैत कहा। इन्ना अव्वला बैत, पहला बैत जो खुदा ने बनाया। तारीख आलम से पूछो, इस आने वाले से पहले किसी ने रात गुजारी? खाने काबा में आने जाने वाले तो बहुत थे, रात गुजारने वाला कोई नहीं था सिवाय हमारे मौला के। 300 शब और रोज रात गुजार, आंख नहीं खोली, बोले नहीं, रोए नहीं, तीनों में से कोई काम नहीं किया। और अम्मा का ईमान इतना मजबूत है कि वो अब भी कह रही है तो जिंदा है, रोया नहीं तब भी जिंदा, बोला नहीं तब भी जिंदा, आंखें नहीं खोली तब भी जिंदा है। 300 शब और रोज गुजरने के बाद फिर खाने काबा में, अब यही जरा सा मुझे शायरों से इख्तलाफ हो जाता है, वो कहते हैं दीवारे काबा शक हुई, शक नहीं हुई दीवार, अगर शक होती दीवार तो उसे अंग्रेजी में क्रेक होना कहते हैं। जब दीवार क्रेक होती है तो डर लगता है, दीवार शक नहीं है, दीवार में डर बना, डर बना ताकि हैदर आए, डर बने तो एक दीवार का हिस्सा इधर, दूसरी दीवार का हिस्सा इधर। एक दफा नहीं दो बार डर बना, गई फातिमा बिनती असद दर बना, निकली फातिमा बिनती असद दर बना। फर्क क्या है, जब गई थी तो हैदर शिकम मादर में थे, निकली है तो आगोश मादर में है। शिकम मादर में भी मेरा मौला बड़ी करामतों का हामिल है। देखो लफ्ज बर्दाश्त हो जाता है या नहीं, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जनाब फातिमा बिनते असद ने पैगंबर अकरम को पाला, बचपन से परवान चढ़ाया, लेकिन जब भी मेरा नबी आता था तो फातिमा बिनते असद एहतराम में खड़ी हो जाती थी। मक्के की औरतें कहा करती थी, आपने पाला है कहीं बच्चों का एहतराम किया जाता है? जिसको परवान चढ़ाया उसका थोड़ी एहतराम किया जाता है। फातिमा बिनती असद कहती थी, मैं थोड़ी उठती हूँ, ये जो मेरे शिकम में बच्चा है ये उठा देता है। अजीज और नहीं सकना, मैं कह सकता हूँ आसानी से, जब तक अली छुपे रहे जो अली का हामिल होगा अली उसे उठा देंगे। छुपे हैं औरतों ने तय कर लिया, कहा अब जब आए पैगंबर उठने न देना। तो रिवायत में 10 की लफ्ज़ें भी हैं, 12-14 की लफ्ज़ें भी हैं, वही 10 वाली सुना देता हूँ। 10 औरतों ने
घेरा बना के रखा। अब जब नबी आए तो कोई इधर से दबा दे, कोई उधर से दबा दे, उठने मत देना। और इधर आता हुआ मेरा नबी नजर आया, मैंने कहा लाल अब्दुल्ला का जाय अब्दुल मुत्तलिब का पोता चश्मो चराग बनी हाशिम सैयद कुरैश साहब लौला का लमा खलकतुल अफलाक, मेरा पैगंबर अपनी पोशीदा जूतियों से अर्श की बुलंदियों का तय करने वाला मेरा नबी आता हुआ नजर आया। और इधर फातिमा बिनते असद ने उठना चाहा, किसी ने दाहिना बाजू थामा, किसी ने बायां बाजू दबाया, कहा उठने न पाए। एक ऐसा झटका दिया, ऐसा झटका दिया, न आगे वाली औरत रह गई, न दाहिने बाएं वाली औरतें रह गई, पीछे वाली औरतें भी हट गई, और फातिमा बिनते असद खड़ी हो गई है तराम में, नबी को देख के खड़ी हो गई। मैं एक लफ्ज कहता हूँ अजीजो, आप साहिबान फहम है, समझ लेंगे बात को। 10 औरतें मिलके, धीरे धीरे कहता हूँ विकरा ताकि हर जैन तक पहुंच जाए, अली कहाँ है, छुपे हैं ना, शिकन मादर में है ना, जब छुपे हैं तो 10 औरतें चाहती हैं, चाहती हैं कि फातिमा उठे नहीं जब नबी आए। एक झटका दिया सब इधर उधर, कह दूं लफ्ज़ें, जब 10 औरतें मिलके एक छुपे हुए अली का मुकाबला नहीं कर सकती तो एक औरत उसका मुकाबला कैसे करेगी जब मैदान में होगा। लेके निकली। अब मिसाल मैं दे देता हूं, साहिबान फहमो शऊर खुद समझ लेंगे। फूल देखा है ना, फूल 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 बनने से पहले क्या कहलाता है, कली। कली किसे कहते हैं, जिसका दहन बंद हो। कली अपना दहन कब खोलती है, दोपहर की हवा में, सेपहर की बादे समूह में, चल चलाती हुई धूप में, नहीं, नसी में सहारी चले, कली के सफ़ेद रुख से मस होके गुजर जाए तो कली अपना दहन खोल देती है। इमामत की कली आगोश मादर में चली, इधर से रिसालत की नसीमे सहारी चली, इधर नसीमे सहारी से रुखे मौला एक कायनात मस हुआ, आंखें भी खोल दी, बोलने भी लगे। ऐसे ही आंखें खोली, नबी को देखा। ये आंख बुतों के लिए नहीं है, ये आंख नबूवत के लिए है, ये आंख रिसालत के लिए है। खोली और खोल के कहा कुछ पढ़ूं, कुछ पढ़ूं। नबी ने भी मुस्कुरा के कहा हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। न पढ़ने वाला कहीं से परेशान, न सुनने वाला कहीं से परेशान, इस्मत की जबान पर वही इलाही के कलमात, मासूम सुनने वाला मेरे नबी आप पढ़ते ताकि ये सुने, का कोई मासूम सुनने वाला मिला ही नहीं तो मैं कैसे पढ़ता। आज अली पढ़ेंगे, अब मेरी लफ्ज़े याद रखिएगा, बिल्कुल उस मंजिल तक पहुंचा रहा हूं। मोता शायर कलाम किसी और का, जबान किसी और की, शायर कलाम भी उसी का, जबान भी
उसी की। अली ने जब तिलावत शुरू की तो हमारे जैसे कम इल्म वाले तो यही कहते हैं तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, इंजील पढ़ी, कुरान करीम की तिलावत की। साहबे रौज़तुल वाइज़ीन के हवाले से अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब में तहरीर किया है कि अली ने जब पढ़ना शुरू किया तो जो आदम पे सहीफा आया वो पढ़ा, जो नूह पे आया वो पढ़ा, जो इब्राहिम पे आया वो पढ़ा, जो मूसा और ईसा पे आया सब पढ़ दिया। कितनी देर लगी, आज तक कोई तारीख लिख नहीं सकी कि कितनी जल्दी अली ने पढ़ दिया। अबे जो अली तीसरे चौथे दिन सारी सहीफे इतनी आसानी से पढ़ लेता हो, वो अगर रकाब में पैर रखते कुरान शुरू करे, सवार हो तो कुरान तमाम हो जाए, तो कोई मंजिल तहजुब नहीं। पढ़ दिया, जब पढ़ चुके तो नबी ने सनद दी, तौरात मूसा से अच्छी, सर्टिफिकेट दे दिया ना, सर्टिफाई कर दिया, तौरात मूसा से अच्छी, इंजील ईसा से बेहतर, ज़बूर दाऊद से बेहतर, और कुरान वैसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिला वजह गलियों में, शाहराहों पर, इधर उधर घरों में, खानवादों में, मजहबों में, मसालिक में लोग नबी जैसा ढूंढ रहे हैं। नबी ने तो पहले ही कह दिया था मेरे जैसा सिवाय अली के कोई नहीं है, नूर भी दोनों का एक हिस्से में, दो हिस्सों में बटा, आधा मेरे पास आधा अली के पास। जब सनद दे दी तो एक दफा दिल चाहा हाथ जोड़ के कहूँ मेरे पैगंबर, अल्लाह ने किताब मूसा को दी तौरात, अहल थे के ना अहल, हकदार थे के नहीं, ईसा को इंजील दी अहल थे या ना अहल, दाऊद को जबूर दिया अहल थे या ना अहल। उधर से आवाज़ें गायब आएगी, मैं किसी नाअहल को अपना ओहदा नहीं देता, ये दुनिया वालों का काम है, जिसे पाया ओहदा दे दिया। बड़ा सिन रसीदा है, बूढ़ा है, इसे दे दो, बड़ा होशियार है, इसे दे दो, बड़ा तनोतोष वाला है, इसे दे दो, तो ये दुनिया वालों का काम होता। मैं अहल देख के तब मनसब देता हूँ। मैंने मूसा को तौरात दी अहल थे, ईसा को इंजील दी अहल थे। अबे जब शायर अपना कलाम किसी नाअहल को नहीं देता तो खुदा अपना कलाम किसी नाअहल को कैसे दे देगा। सब अहल हैं, लेकिन नबी क्या कह रहे, मूसा से अच्छी, ईसा से बेहतर, दाऊद से बेहतर। हुजूर आप भी बगैर वही के बोलते नहीं, जब हुजूर बगैर वही के बोलते नहीं, कुरान की सनद मौजूद है, मां यंतिका निल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, वही आए तो बोलते हैं। वही क्या है, कलाम खुदा, अल्लाह हुक्म दे तो नबी बोलते हैं। अब नबी कह रहे हैं उनसे बेहतर, उनसे बेहतर, उनसे बेहतर। अगर मैं मिसाल, मिसाल को मिसाल ही रखिएगा, असली ना बनाइएगा, मिसाल मिसाल होती है। जब नबी ने कह दिया मूसा से बेहतर तौरात, ईसा से बेहतर इंजील, दाऊद से बेहतर ज़बूर, तो मैंने एक दफा सोचा खुदाया ये राज क्या है कि वो अहल भी हैं उनसे बेहतर ये पढ़ रहे हैं, उनसे बेहतर ये पढ़ रहे हैं, उनसे बेहतर ये पढ़ रहे हैं। असल में देखिए मुतशायर की रागनी तो पूरा मजमा समझता है, लेकिन असली शायर का कलाम जो अरबाब फन है वही समझते हैं।
जो वाकई शायर होता है वही जानता है कि कौन सी लफ्ज ने कहाँ बिल्कुल मुनासिब रख दी है, दूसरा नहीं समझता है। और मुतशायर कलाम किसी और का होता है, गला और जबान इसकी होती है। अब अगर हाथ जोड़ के कहूँ ये फकरा तो अजीदो मिसाल मिसाल रखना, जब मूसा तौरात पढ़ रहे थे, तौरात है कलाम खुदा, पढ़ रहा है कौन? मूसा। जबान मूसा पर कलाम खुदा, कलाम था खुदा का, जबान थी मूसा की। ईसा इंजील पढ़ रहे थे, कलाम खुदा का था, जबान ईसा की थी। दाऊद जबूर पढ़ रहे थे, कलाम खुदा का था, जबान दाऊद की थी। आज जब अली पढ़ रहे थे, बस आया जाने देना अजीजो, आज जब अली पढ़ रहे थे, कलामुल्लाह लिसानुल्लाह से पढ़ा जा रहा था, कलाम भी खुदा का था, जबान भी खुदा की। वो कलाम खुदा का, ये जबान खुदा की। अल्लाह भी जब अपनी जबान बनाता है तो किसी और को नहीं बनाता। एक मकाम ऐसा आया था जहां खुदा को जरूरत थी कि जबान मिल जाए, जब इधर से रिसालत या अबदियत अपनी आखिरी कमाल की मंजिल पर और उधर से उलूहियत अपनी आखिरी निचली मंजिल पर, इधर मेराज में जाने वाला रसूल गया, ये उठता चला गया, उठता चला गया, बुलंद होता चला गया, एक जगह जाके रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ता। उधर से वो उतरता आया, उतरते उतरते वो भी एक जगह रुक गया, अब न ये बढ़ रहा है न वो नीचे उतर रहा है, ये बढ़े तो बंदा ना रह जाए, वो उतर आए तो खुदा ना रह जाए, उतरे तो खुदा ना रह जाए, ये बढ़े तो बंदा ना रह जाए। मगर ऐसे सन्नाटे में पिन ड्रॉप साइलेंट जहां हो, ऐसे मौके पर खुदाया अगर तूने एहतमाम करके जिब्रील के जरिए मलाइका के जरिए सिदरा से गुजार के पैदल बुला के जूतियों समेत उस मंजिल तक पहुंचाया है, तो अगर तू भी चुप ही रहेगा तो जाने का फायदा क्या है? बुलाया है तो कुछ तो बोल दे। एक मिसाल फिर मैं देता हूं, दो आदमियों के खेत के दरमियान में मेड़ होती है ना, ये मेड़ किसकी है? इस खेत वाले की है या उस खेत वाले की? किसकी है? ये जब खेत जोतता है तो इधर से काट लेता है, वो अपना खेत जोतता है उधर से काट लेता है, जब वो काटता रहता है ये कुछ नहीं बोलता, जब ये काटता रहता है वो कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान मुश्तरक है, यूं समझ लीजिए आधी इसकी है आधी उसकी है। तो उस मेड का एक सिरा इधर मिला है, तवज्जो आप फरमा लेंगे जी, एक सिरा उधर मिला है, दरमियान में हद फासिल है ना, वो बीच में है तो ये उसका खेत, वो उसका खेत, मगर सरहद है तो एक हिस्सा इधर मिला है एक हिस्सा उधर मिला है। मैंने बार बार दोहराया, मेरा और आपका परवरदिगार उस मंजिले आला और मंजिले मेराज तक नबी को पहुंचाने के बाद एक दफा सोचता है, बोलूं तो कैसे बोलूं, कलाम करूं तो कैसे कलाम करूं,
ऐसी जबान हो जो मेरी भी हो, उसकी भी हो जिससे कलाम कर रहा हूं। तो एक दफा कुदरत ने पूरे आलम को छान के अरब के मुल्क में पहुंचा, मुल्क अरब को छान के मक्के में आया, मक्के को छान के मदीने में आया, मदीने के मोहल्ले छान चुका, मोहल्ले बनी हाशिम में आया, बनी हाशिम के मोहल्लों के सारे घर देख चुका, एक घर पे आके रुका और रुक के एक दफा कहा जबान यहां से उठाऊं। नहीं नहीं आप मुतवज्जे हुए, जबान यहां से उठाऊं ले चलूं लोहे महफूज तक। लोहे महफूज तक जब जाती रहे तो जबाने अली हो, जबाने फातिमा हो, जबाने हसन हो, जबाने हुसैन हो, जबाने मोहम्मद हो, जब वहां लोहे महफूज से उतारूं तो ये कुरान बन जाए, कुरान बन जाए। उस लहजे में कलाम किया। उलमा और मुहक्किकीन ने लिखा कि जब बोल रहा था खुदा तो नबी सुन रहे थे, नबी भी पहचान रहे थे लहजा, खुदा तो उस लहजे में कलाम कर ही रहा था। तो बिल्कुल आना भी माना में सोचिए, आप साहिबान फहम हैं, पढ़ा लिखा मजमा भी है मेरे सामने। एक लफ्ज कहता हूँ, बोल रहा है खुदा तो एक लकीर पड़ रही है, इधर है नबी। अभी उलमाए कराम के दरमियान जैसा कजमत बयान बिला वजह ये बातें करता है, लेकिन बहरहाल खुदा बोल रहा है तो एक लकीर है आवाज की जो पड़ रही है। और हमारे असातिज़ा ने बहुत पहले फलसफे की किताब में पढ़ाया था जिसको जुज़ ला यतजज़्ज़ा कहा जाता था, ऐसा जुज जिसका जुज ना होता हो, उसको उलमा ने बातिल कर दिया था, कहा ऐसा तो कोई जुज होता ही नहीं जिसका जुज ना हो। अगर जाहिर में खारिज में जुज नहीं होगा तो जहन में होगा, वजूदे जहनी उसका होगा, तो ऐसा कोई जुज नहीं होता। फलसफे की पहली किताब हिदायतुल हिकमत जो पढ़ाई जाती है उसमें पहली बहस यही है, इब्ताले जुजे लाए तजज्जा, ऐसे जुज को बातिल करो जिसका जुज न करार दिया जाता हो। तो वो लकीर पड़ती चली जा रही है, बोल रहा है खुदा सुन रहा है नबी, जो लकीर पड़ रही है। अगर मेरी मिसाल किसी तरह जहन तक पहुंच गई है तो कहता हूं ये लकीर नहीं है, खुदा और नबी के दरमियान में वो मेल है, उसके इधर है नबी, उसके उधर है खुदा। जिस लहजे में बोल रहा है वो जो लकीर पड़ रही है उसका राबेता इधर भी है, उसका राबेता उधर भी है। लहजे अली बताता है अगर जबान अली में बोलो तो राबेता नबी से भी रहेगा, राबेता खुदा से भी रहेगा। सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बहरहाल अगर शोराए कराम को नागवार हुआ हो तो मुझे माफ़ कर देंगे, इतनी बातें मैंने कही हैं, मगर मौला की फजीलत के ज़हन में ये बातें मैंने मिसाल के तौर पर इतनी देर घुमा के आप तक पहुंचाई। पढ़ा अली ने कुरान, पढ़ा आया था, कहते हैं लोग के बाद में नाजिल हुआ, मेरा नबी ऐसा नबी थोड़ी है जो कुरान ले के ना आया हो, नबी तो कुरान ले के आए थे, हाँ सुनाने का मौका नहीं मिला था, हुक्म खुदा नहीं आया सुनाने के लिए, जब आएगा हुक्म खुदा नबी सुनाएंगे, तो कौन सा कुरान सुना रहे हैं? ये वाला जो नवल किशोर में छपा है, ये जो निजामी प्रेस में छपा हुआ है, ये जो अब्बास बुक एजेंसी में छपा, कौन सा कुरान सुना रहे हैं? का जो छपा नहीं है, अभी छपा नहीं, फिर क्या है? छुपा है, छपा नहीं है, छुपा है। कुरान ने कहा इन्नहुल कुरान करीम फी किताबिन
मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इसे कोई मस नहीं कर सकता सवाए साहिबाने तत्हीर के। मैंने मुतहरून का तर्जमा पाको पाकीजा नहीं किया, साहिबाने तत्हीर के अलावा कोई इसे मस नहीं कर सकता। अब मस के हमारे जबान में तो छूना है, छू लिया मस कर लिया, लेकिन कुरान मजीद ने एक मकाम पर इस लफ्ज को बहुत खूबसूरती से सर्व किया। एक सलावात पढ़िए जरा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जनाब मरियम के तस्करे में कुरान मजीद ने नकल किया है, और नकल करते हुए ये लफ्ज कहा है कि जब उनसे मलक ने आके बशारत दी एक बच्चे की, तो जनाब मरियम ने क्या कहा, मेरी गोद में बच्चा कैसे आ सकता है, जबकि किसी बशर ने मुझे छुआ नहीं, लम यमसस्नी बशर, मुझे किसी बशर ने छुआ नहीं है। तो उनकी अम्मा ने उन्हें छुआ था कि नहीं, अब्बा जान छुआ था कि नहीं छुआ था? इसका मतलब यह है कि यह मस कोई और चीज है। उलमा ने बयान किया, और अगर देखिएगा तो मेरा हाफिजा अगर काम कर रहा है तो अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने भी इसको नकल किया अपनी किताब तफसीर कबीर में। वो लिखते हैं कि यहाँ जनाब मरियम ये कह रही थी कि मेरे हयात, मेरे जिस्म, मेरे बदन पर किसी बशर का तसर्रुफ नहीं हुआ, कोई मेरे जिस्म को अपने तसर्रुफ में नहीं लाया। इसका मतलब यह है कि तसर्रुफ भी माना है मस के। अब जब कुरान ये कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, कुरान को कोई मस नहीं करेगा मगर साहिबाने तत्हीर, यानी तसर्रुफ का हक कुरान में सिवाय अहले बैत अतहार के किसी और को हासिल नहीं है। इसलिए वो लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, तो छपा नहीं है कुरान, जो कुरान अभी नहीं आया उसको अली पढ़ रहे हैं। अब जब नबी सुना देंगे तो ये जानवरों की खाल पर लिखा जाएगा, पत्तों पर लिखा जाएगा, खजूर की शाखों और पत्तों पर लिखा जाएगा। जब ये लिख लिया जाएगा या हाफिज लोग उसे याद कर लेंगे, तब ये लोग पढ़ेंगे, तो नबी सुना दें तब ये पढ़ेंगे, नबी को सुना दें अली तो अली पढ़ेंगे। नहीं लफ्ज अब दूसरा मैं सर्व करता हूं, जो छपा हुआ कुरान पढ़ता है उसे सहाबी कहा जाता है, जो छुपा हुआ कुरान पढ़ता है उसे अली कहा जाता है। छुपा हुआ कुरान उसे सुना दिया और नबी ने तस्दीक भी कर दी। पता नहीं यहाँ घड़ी भी लगी है कि नहीं, यहाँ आए तो एक सलावात पढ़िए जरा। अरे इतनी देर तो पढ़ दिया, वक्त भी गुजर गया है और इसी में अभी तो आप शायरी, हाँ शायरी कर रहा था। मैं शायर नहीं हूँ, मेरा नाम सिर्फ नाजिम है, और मैं इकरार करता हूँ यहाँ अरे मजमे के सामने कि मुझे न मिसरा मौजू करना आता है और न मैं पढ़ पाता हूँ। मेरे उस्ताद थे बचपन में, तो उन्होंने बहुत ज़ोर दिया था कि आज कसीदा फला महफिल में तुम्हें पढ़ना है। मैंने बहुत कहा कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, कह रहे नहीं पढ़ना है और धुन में पढ़ना है। तो एक तो पढ़ने ही नहीं आता, दूसरे धुन का क्या सवाल। तो उन्होंने कसीदा लिख के दिया, रट रटा के मैं ज़बरदस्ती बिठाया गया, का पढ़ो। पहला मिसरा तो किसी तरह पढ़ दिया, दूसरा मिसरा जब पढ़ा और धुन बदल गई तो फौरन मेरे उस्ताद ने कहा उतर आओ। इसलिए जब तुम दो मिसरे एक धुन में नहीं पढ़ सकते तो पूरा कसीदा कैसे पढ़ोगे। तो मैं
न धुन में पढ़ पाता हूँ, ना सही तौर पर नसर में पढ़ पाता हूँ। और अगर कोई शेर मुझे याद करना होता है, आप यकीन जानिए बहुत देर तक उसे दोहराता हूँ, तब भी मिंबर पर आते आते कुछ न कुछ इधर उधर हो जाता है। कोशिश ज़रूर करता हूँ कि सुना दूँ। मैं ये जानता हूँ जो असर शेर में है वो असर नसर में नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये आयत मैंने पढ़ी है, उसके बारे में दो चार लफ्ज़ कह दूँ ताकि ये उलमाए कराम मुझ पर, हाँ नहीं तोहमत तो क्या लगाएंगे, उलमा हैं तोहमत थोड़ी लगाएंगे। बड़ा मुश्किल होता है ना, अभी भाई पढ़ के गए हैं कि वो चांदी के खोल पर, कसम खुदा कि मुझे बहुत अच्छा लगा मगर शेर मुझे याद ही नहीं होता, क्या करूं मजबूरी है। मैं अभी उनसे पूछूंगी ज़रा मुझको लिख के दीजिएगा। लेकिन दूसरी मिसाल मैं दे देता हूं, कभी कभी आपने फ़कीर को देखा होगा, उसके पास एक कासा होता है लेके चलता है, उसमें घर घर से कुछ ना कुछ मिल जाता है, वो एक ही कासे में डालता रहता है, चावल उसी में, दाल उसी में, आटा उसी में, और कोई सामान सब उसी में। ये उसका कमाल होता है कि चावल अलग कर लेता है, दाल अलग कर लेता है, और आटा अलग कर लेता है। आलिम दीन तो क्या करूं अभी फिक्रा कहता, आलिम दीन अपना कासे हयात अपने उस्ताद के सामने लेके जाता है, किसी दिन वो कोई और खजाना दे देता है, दूसरे दिन कोई और दौलत दे देता है, तीसरे दिन कोई और दौलत दे देता है, ये उसी में रखता रहता है। अब ये उसके ज़र्फ़ का कमाल होता है कि ये वाला उसमें से अलग कर दे, वो वाला उसमें से अलग कर दे, वो अलग कर दे। अब एक मौली साहब जो मुख्तलिफ़ किस्म के ख़जाने को अलग कर लेते हैं, तो जो दर्जे इस्तेहाद पे फायद होगा। ये तो क्या करूँ अब ये लफ्ज़ आ गई है तो कह देता हूँ। मुज्तहिद क्या करता है, इस्तेहाद, इस्तेहाद बना है जहद या जिहाद से, नहीं नहीं दूसरा लफ्ज़ सुनिए, मुज्तहिद क्या करता है, इस्तिम्बात, इस्तिम्बात बना है नब्त से। नब्त के अरबी जबान में मानिए है कि किसी रेतीले मैदान में रेत को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, गहराई तक जाते रहो, वहां तक जाओ कि पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। जो रेत देखता रहता है वो इस्तिम्बात नहीं कर पाता, जो रेत की गहराई में उतरता है तब उसे बहरे हयात मिलता है, और वहां से कुछ मोती मूंगे निकाल के लाता है। ये जितने अखबारी हैं ये रेत देख रहे हैं, इनके मुकद्दर में रेत ही रेत है, ये इस्तिम्बात कर ही नहीं पाए कि बहरे हयात से मोती मूंगे मिल जाते हैं। या दूसरे लफ्जों में कह सकता हूं, आपने जब कभी सैलाब आए तो बहते हुए पानी में ऊपर कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें नीचे होती हैं, जिनमें जौहरे असली होता है वो नीचे बैठ जाती है, जो कुछ जौहर नहीं रखते वो ऊपर तैरते रहते हैं, बहते चले जाते। अखबारी समंदरे जिंदगी के बहते हुए सैलाब में बहते हुए तिनकों का नाम है। उनकी खूबियों को लोग देख रहे हैं, कहा यही सब कुछ है। लफ्ज़ और बदल के कह देता, जहां तारीख ने दो मंजिलें बताई, एक वो है जो इश्तिहाद करते हैं, उनका भी दरवाजा एक जगह बंद हो गया,
हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेहाद का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, तब तक खुला रहेगा जब तक मेरा इमाम आ ना जाए, खुला रहेगा। उन्होंने अपना दरवाज़ा इस्तेहाद बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया तो क्या करें, का हदीसें देखो, लफ्ज़े बदली अजीज़ो, उनके यहाँ हदीसों के देखने वाले अहले हदीस, हमारे यहाँ हदीसों के देने वाले अखबारी, जैसे हदीसों के उलझाव में रहने वाले हमेशा गंगा जमुनी तहजीब के सिलसिले में सोचते रहे, ये भी ले लो वो भी ले लो वो भी ले लो, असल में राज क्या है आपने देखा है ना, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये तय किया गया है कि पॉल्यूशन से बचाओ। पॉल्यूशन क्या है, गंदी हवा, खराब माहौल, खराब फजा, उस फजा को छान फटक दो ताकि गंदी हवा नाक के जरिए मसामात के जरिए इंसान को परेशानी में मुब्तला न करे। अखबारियत उसी पॉल्यूशन का नाम है जो मजहब के अंदर गंदगी फैलाई जा रही है, इसे अगर साफ सुथरा कर दो तो यही हदीस करामत हो जाए, वरना कैसे पैजामा पहनोगे अगर उसका वजूद ना होगा, कैसे ये आबा डालोगे अगर उसका वजूद हदीस में ना होगा, कैसे करोगे, नहीं मुमकिन है। तो मैंने इतनी बातें अर्ज की, अब सुना देता हूं, कासा अगर खाली है तो चाहे कितने ही मठ दो, मगर उस कासे की अहमियत नहीं है, उसमें जो दौलत है उसकी अहमियत है। मेरे उलमाए कराम, मैं आपसे माजरत के साथ ये फकरा कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये बड़ी बड़ी पगड़ियाँ नहीं काम आती, ये बड़ी बड़ी टोपियाँ नहीं काम आती, जिस सर पे ये टोपी है उस टोपी के नीचे जो सर है देखो उस सर में भेजा है कि नहीं। अगर उसमें मग्ज पाया जाता है तो काबिल एहतराम, वरना लिबास काबिल एहतराम नहीं है, लिबास की अहमियत नहीं है। ऐसल जमाल बेअसवाब इंतज़ीनना, खूबसूरती कपड़ों से नहीं है जो हमारे हमें जीनत देते हैं, इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदबी, खूबसूरती इल्म की है, खूबसूरती जमाल की है। बस अजीज़ो, मैंने इतना आपका वक्त लिया है और मैं मरहूम के सिलसिले में तो कुछ कह भी नहीं पाया, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहता हूँ, मेरे भी बहुत दिनों के ताल्लुकात थे, बहुत दिनों से मेरा उनका राबिता था, रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपनी इल्मी सरगर्मियाँ रोकी नहीं, कुछ कम नहीं है कि इतने ज़माने में 14 किताबें उन्होंने लिख दी। तो अभी आपने सुना कुछ छप गई हैं, कुछ बाकी हैं, जो बाकी हैं उन्हें भी छपवाना चाहिए, लेकिन ये बात तय है उन्हें कोई फिक्र नहीं है। हदीस में आया है, अगर जाने वाला चला जाए, नेक लड़का छोड़े जो दुआ करे, तो इसे कोई फिक्र नहीं, एक इल्म का वरक छोड़े तो जब तक इससे फ़ायदा हासिल करने वाले रहेंगे इसे कोई फिक्र नहीं, एक लड़का छोड़े जो दुआ करे तो उसे फिक्र नहीं होती है। कैसे हैं वो बदबख्त लोग जिन्होंने नस्लों को समझाई नहीं, जिन्होंने ख़ानदानों को समझाई नहीं, जिन्होंने छोड़ी हुई औलाद को पहचाना ही नहीं, ये जिस औलाद को छोड़ा है पता नहीं बिस्मिल्लाह कहता है या नहीं कहता, पता नहीं सूरे पढ़ता है या नहीं पढ़ता, लेकिन नेक औलाद है अपने बाप के लिए दुआ करता है, तो ये दुआ
उसके बाप के हक में कारामत, उसकी मंजिल कैसे दुनिया तय करे जिसने एक औलाद नहीं छोड़ी, पूरी नस्ल छोड़ दी। और नस्ल भी ऐसी नहीं है जो आम होती हो, ऐसी नस्ल जो इमाम, ऐसी नस्ल जो हादी, ऐसी नस्ल जो रहबर, जिसका एक हादी आज भी पर्दे गैब में है, इसके पहले वाले के लिए कहा गया है कि ये नुक्ते बा है और इसमें पूरा कुरान सिमटा हुआ। जल्दी जल्दी बात कह देता हूँ ताकि वक्त के अंदर ख़त्म हो जाए। अब ये उलमा भी तशरीफ़ फरमाए, मैंने तो थोड़ी सी नहो कुछ सीखी है, इस्म फेल हर्फ, और तो बाकी कुछ सीखा नहीं है, लेकिन जो बात जहन में वो सुना देता हूँ। हवाला इसलिए दे देता हूँ, जिनको देखना होगा देख लेंगे। मुगनी में ये बात तहरीर है, हरूफ जार्रा जितने हैं उन हरूफ जार्रा में बे पहली मंजिल है, जिसको बा कहा जाता है। हम हिंदुस्तानी बे पढ़ाते हैं, असल में वो बा है। कितने मानी के लिए आता है? उन्होंने लिखा बा 14 मानी के लिए आता है, यानी बा बा नहीं है, 14 मानी इसके अंदर पाए जाते हैं, 14 मानी इसके अंदर। और बा है अली, बे का नुक्ता है अली, और जब अली है तो अली में वो सारे कमालात पाए जाएंगे। दूसरी हदीस और सुन लीजिए, बड़ी तशरीह चाहती है वो हदीस, मगर सुनाई देता हूँ। कमालुर रजुल बिसित्तिन, लोअलियुल अखबार में ये हदीस मौजूद है, फरमाया कमालुर रजुल बिसित्तिन, मर्द का कमाल 6 चीज़ों से है। बे असगरे, बे अकबरे व बे हयाते, दो छोटी छोटी चीज़ें, दो बड़ी बड़ी चीज़ें, दो हालतें। अम्मा असगरा फ़कल्बहु व लिसानो, दो छोटी चीज़ें जो हैं वो दिल है और ज़बान। दिल और जबान वही बोलती है जो दिल कहता है, जब तक दिल कहता नहीं जबान बोलती नहीं। नहीं तशरीह करूंगा, वक्त नहीं रह गया। वाम्मा अकबरा फअक्लहु वहैबतहु, दो बड़ी चीजें, उसमें एक अक्ल है और एक हैबत जलालत। वह अम्मा है तो हूँ फमालो हूँ व जमालो, दो हालतें, उसमें एक माल और एक जमाल। मर्द का कमाल यह है, मर्द बने ही गा तब, अब तवज्जो कर लेंगे, मैं आखिरी फकरे कहता हूँ, मर्द तभी बनेगा जब ये 6 चीजें पाई जाती हों, कल्ब लिसान अक्ल हैबत जमाल माल, ये 6 चीज़ें हों तो मर्द। अब जल्दी से आप तवज्जो कर लें, मेरा नबी एक मकाम पर जहाँ सारा असहाब का मजमा जमा था, वहाँ नबी ये कहता है लहोत अन्नर रायत कदन रजोलन, नहीं तशरीह करूँगा जीजो, कल मैं आलम दूंगा, मैं तो लफ्ज़ इसी पर जोर देता हूँ, कल मैं आलम, हर ज़ाकिर ख़तीब ये कहता है कल मैं आलम दूंगा, जो मर्द होगा कर्रार होगा गैरे फर्रार होगा, मैं जोर सिर्फ इस पर देता हूँ, नबी ये कह रहे थे कल मैं आलम दूंगा, यानी इसके पहले आलम गया है मगर मैंने नहीं दिया, मैं अपनी अता पर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता, मैं दे दूं और नाकाम हो जाए, कल मैं आलम दूंगा। किसको? रजुलन, मर्द को। कैसा मर्द? जिसके पास कल्ब भी है, जिसके पास जबान भी है, जिसके पास अक्ल भी है, जिसके पास हैबत भी है,
जिसके पास माल भी है, जिसके पास जमाल भी है। अली जैसे खसूसियात का हामिल दुनिया में ना कोई इंसान पैदा हुआ है और ना आखिर तक पैदा हो सकेगा। अगर कोई उस जमाल का हामिल है तो वो मेरा इमाम है जो पर्दे गैब में छुपा हुआ है। एक सलावात पढ़ते हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद। आवाज धीमी पड़ गई ना, मैं अभी उठा सकता हूँ लेकिन अब वक्त नहीं रह गया है। आखिरी जुमले सुन लो, मैंने आयत पढ़ी, ये सलून का निर रूह, ये लोग तुमसे सवाल करते हैं पैगंबर रूह के बारे में। कुलिर रूह मिन अमरे रब्बी, कह दो कि रूह मेरा रब का हुक्म है, हुक्म में से एक हुक्म है। वमा उती तुम मिन इल्म इल्ला कलीला, और तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया गया है। थोड़े से इल्म वाला रूह को नहीं पहचान सकता, हकीकत रूह मालूम नहीं हो सकती। और जब हकीकत रूह नहीं मालूम हो सकती तो मैं तीन चार लफ्ज कहे दो, रूह कब आई पता है? जल्दी से बोल दीजिए, कब आई जिसमें इंसानी में मालूम है? अगर शिकमे मादर में बच्चा हरकत न करता तो कोई पहचान भी न पाता कि रूह आ गई, मगर उसकी हरकत बताती है कि रूह आ गई। कब आई कुछ पता नहीं, कब चली गई कुछ पता नहीं, कितने दिनों है कुछ नहीं मालूम, कहाँ से आई नहीं मालूम, कब तक रही नहीं मालूम। ये तो आधा जवारे की हरकत बताती है कि रूह है, हरकत न करे तो रूह नहीं है, रूह नहीं है। और जब रूह हरकत का नाम, इंसान को मिला बदन, इंसान को मिली रूह, रूह निकल जाए तो बदन रखने के लायक नहीं, रूह आ जाए तो सजा हुआ मकान, रूह रहे तो कसरों में रहे, महलों में रहे, बेहतरीन जगह में रहे, रूह निकल गई सारा घर कहता है ले जाओ, अब यहाँ रहने के काबिल, अब करोड़ लगा के बनाया था यहीं रहने दो, यहीं रहने दो, कहा नहीं अब यहाँ रहने के लायक नहीं है, अब इसे वहां ले जाओ। एक रूह निकल गई तो रहने के लायक नहीं रह गया। सुनाओ अभी, मेरा और आपका पैगंबर हुजूर खत्मी मर्तबा इरशाद फरमाते हैं, जिसे अल्लामा उबैदुल्लाह अमर सनी ने अपनी किताब अर्जहुल मतालिब में भी तहरीर किया और दूसरे उलमा ने भी नकल किया है कि इमाम इमाम नहीं होता, इमाम रूह है कायनात का नाम है, रूह है कायनात का नाम है। जिस्म से रूह निकल जाए तो घर में रहने के लायक न रह जाए, अगर कायनात की रूह न रह जाए तो ये इंसान कैसे बाकी रहेगा? इसका बाकी रहना बताता है कोई रूह है कायनात आज भी है। बस अजी, रूह है कायनात आज भी मौजूद है, रूह मरती नहीं है। हाँ, जब हुक्म खुदा होगा चली जाएगी, निकाल लेता है खुदा इंसान के जिस्म से, फिर ये जिस्म यहाँ रहने के लायक नहीं रहता। इसे लोग मुशायत करते हुए पहुँचा देते हैं, कब्रिस्तान के हवाले कर देते हैं। बड़ी खिदमत की है मरहूम ने, किताबें भी लिखी, बच्चों को दर्स भी दिया, पढ़ाते भी रहे, दीनी शगफ़ रहा, दीनियात से मुसलसल वाबस्ता रहे, मुसलसल दीन की खिदमत भी करते रहे। आज बड़ा सुकून होगा उस जाने वाले को कि हमने जो कुछ दीन के बारे में किया है उसका सिला दीन के मुहाफिजीन हमको देंगे, उसका आजर हमको मिलेगा। गम इसका नहीं होता कि जाने वाला चला गया, गम इसका होता है जो जगह जो मकान का हिस्सा उससे आबाद था वो आबादी ख़त्म हो गई। यकीनन बच्चों के लिए बड़ा तकलीफ़ का मरहला है, अज़ीज़ा के लिए तकलीफ़ का मरहला है, अजीज़ों के लिए अहबाब के लिए, लेकिन हमारे लिए सुकून का ज़रिया है
अहले बैत ताहिरीन के मसाइब का तस्करा, कि अगर ये जिक्र आ जाता है तो हम अपने अजीज़ों को भूल जाते हैं। खुदा उन्हें सुकून अता करे जो बच्चे हैं, जो भाई हैं, जो अजीज़ हैं, जो अहबाब हैं, उनकी तसल्लियत के लिए ये फकरा कहता हूँ। घर में जाने वाला गया ना, रूह निकली, अज्जा मौजूद थे, बेटे औलाद करीब के लोग सब मौजूद थे, एहतमाम किया, जनाजा बड़े शान से उठा, लेके कब्रिस्तान तक गए, कब्र के हवाले कर दिया, लेकिन जब ये मोमिनीन के कांधों पर जाने वाला ये साहबे इल्म व मारिफत इंसान जाता रहा होगा तो ये ख़ुद अपने संदूक में रह के रोता रहा होगा, हाय मुझे इतने उठाने वाले, इतने मेरे जनाजे के साथ जाने वाले, हाय मेरा मौला करबला के मैदान में इस तरह शहीद कर दिया गया कि लाशा ज़मीन पर पड़ा रहा, आफ्ताब की शुआएं पड़ती रही, गर्म रेत पर फरजंदे ज़हरा का लाशा, कोई देखने वाला रहा हो या न रहा हो मगर ज़ैनब जैसी बहन थी देखने वाली। शहजादी ज़हरा बाल को बिखराए हुए करबला के मैदान में कभी निगाह उठा के देखती होंगी, मेरे लाल मैंने तुझे गोदी में पाला था, झूला झूला के परवान चढ़ाया था। सारी मंजिलें आपके पेशे नजर, जनाजा कब्र के हवाले हुआ, अजीज अकरबा रहे, बस ख़त्म हो गई मंजिल। एक बात और याद दिला दूँ, जब असीरों और कैदियों को कैदी बना के अहले हरम को ले जाया जाने लगा तो उधर से गुजारा गया जहाँ इज़्ज़ा के लाशें पड़े थे, रबाब को उधर से ले गए जहाँ 6 महीने के बच्चे के कब्र का निशान था, लैला को उधर से ले गए जहाँ करियल जवान का लाशा पड़ा था, बीवियों को उधर से गुजारा, और फिर शहजादी ज़ैनब को उधर से लेके चले जहाँ नशे पे भैया का लाशा, सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़ियाँ लेके उधर से गुजारा गया जहाँ हुसैन करीब का लाशा उरिया पड़ा हुआ था, देख के है कोई बेटा जो बर्दाश्त कर सके, हाय सैयद सज्जाद ने एक दफा निगाह उठा के देखा, मेरा बाबा नशे में उरिया लाशा, चेहरे का रंग बदला, ज़ैनब उलिया मकाम ने देखा, मेरे लाल सब चले गए, अब्बास नहीं है, अकबर नहीं है, कासिम नहीं है, औनो मोहम्मद नहीं है, मेरा भैया नहीं है, क्या तुम भी साथ छोड़ दोगे, इन बेकसों को कौन लेके आगे बढ़ेगा, इन कैदियों को कौन लेके जाएगा, आवाज दी फूफी अम्मा कैसे बर्दाश्त करूं, ये मेरा बाबा नशे में उरिया लाशा, मैं इतना बेकस हूँ कि मैं अपने बाबा के लाशे पर चादर भी नहीं डाल सकता, कैसे बर्दाश्त करूँ। सुना आखिरी लफ्ज सुनो और ख़त्म हो दुआ। ज़ैनब ने पूछा, सैयद सज्जाद ने जवाब दिया, रुख किया सैयद सज्जाद और एक जुमला कहा, बाबा आपकी वसीयत पर अमल कर रहा हूँ, बाबा इमाम वक्त हूँ, आपका जनाजा उरिया है, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तौके खारदार है, कमर में लंगर पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, बाबा मेरे पास रेदा भी नहीं है कि मैं आपके उरिया लाशे पर डाल दूँ, कैसे आपका लाशा इस आलम में पड़ा रहेगा, अजब नहीं आवाज़ आई होगी, मेरे लाल काफिला लेके चले जाओ। इन बीबियों को कैदियों को लेके जाओ ताकि मेरा मिशन पूरा हो जाए।
बस आखिरी लफ्ज खत्म हो दुआ। शिमरे मलून जब एक दफा सरे हुसैन को तन से जुदा कर चुका था तो हुसैन के सर को बालों में उंगलियां डाले हुए हाथ में लेके चला। पूछ लूं कहाँ जा रहे हो? कहीं ये चेहरा पहचाना नहीं जा रहा। क्यों? 6 महीने के बच्चे का मुख्तसर सा खून इमाम ने अपने चेहरे पर मल लिया था। करबला की धूल अटी थी। लेके चला फरात के किनारे। सुन लोगे? आखिरी जुमले सुन लो, खत्म हो दुआ। लेके चला फरात के किनारे। कहाँ जा रहे हो? कहा जरा इस चेहरे को धो तो लूं, इतना नूरानी चेहरा, ये खाको खून में आगिश्ता। दरमियान में कहता है, असल में मैंने बार बार ये देखा कि हुसैन की जबान लबों तक आई है, बाहर नहीं आई है, लबों तक आई है। चाहा के जबान अंदर करके लबों को बंद कर दें, जब बंद करना चाहा लब खुल जाते थे, जबान वहीं आके रुक जाती थी। मगर कहता है, जब मैंने फरात की लहरों पे लाके सरे हुसैन को रखा, मेरे हुसैन ने जबान खुद ही बंद कर ली, लबों को बंद कर लिया। दिल चाह पूछूं मेरे मौला, आपने लबों को क्यों बंद कर लिया? कहा तुम्हें नहीं मालूम, मेरी सकीना प्यासी है, मेरे बच्चे अभी अलादश की सदाएं दे रहे हैं। जब तक उनके लब तर ना हो जाए, तब तक हुसैन अपने लबों को तर। سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون الهي بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ مومنین کو خوش و آباد رکھ، ہماری قلیل ادا کو قبول فرما، مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما، جوار سید الشہداء میں بلند مقام عنایت فرما، ان کے سیئات کی مغفرت فرما، حسنات میں اضافہ فرما، اخلاف کو صبر جمیل عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے، ایک ایک بار سورہ الحمد اور 3-3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم ماسٹر شوکت کی ابن محمد علی مرحوم کو ارشاد فرمائیں۔